हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए ब्लॉग में। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त अभिषेक स्वागत करता हूँ इस नए ब्लॉग में, जहाँ पे हम बातें करेंगे कि अपने NCL, NTPC, अनपरा और रेणुसागर जो आपके आसपास की जगह है, वहाँ पे जो 10 सबसे बेहतरीन सबसे अच्छे स्कूल्स हैं उसके बारे में बातें करेंगे। तो फिलहाल जैसा कि आप सामने अभी आप देख पा रहे हैं, DAV ककरी जो कि एक कोएड एजुकेशन सेंटर है, CBSE बोर्ड से एफिलेटेड है एंड केवल यहाँ पे 10th तक का जो है वो क्लासेस लगते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और दूसरा ये स्कूल जो कि बहुत ही पुराना और बहुत ही एस्टेब्लिश्ड जो DAV स्कूल है पूरे अपनी NCL के अंदर में, मैं आपको बता दूं टोटल 7 DAV स्कूल्स हैं जो कि NCL परियोजनाओं के अंदर में रन करते हैं, जो कि NCL के द्वारा डेफिसिट फंडेड हैं। और अब स्कूल्स में से DAV बीना का अपना एक अलग ही स्थान है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि CBSE बोर्ड के थ्रू एफिलिएशन है और इंग्लिश मीडियम है, प्लस यहाँ पे 12th तक की क्लासेस LKG 2 क्लास 12th की क्लासेस होती हैं, जहाँ पे आप साइंस एंड कॉमर्स दोनों स्ट्रीम से जो है आप अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल के समय में जो है DAV स्कूल बीना का जो है वो काफ़ी भव्य रेनोवेशन किया गया है अंदर से और बाहर से, और स्मार्ट क्लासेस जो हैं उनको सारे क्लासेस में स्टार्ट किया गया है। तो आप चाहें तो अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ भी करवा सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे अपने तीसरे स्कूल की तरफ। ये जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये खड़िया का DAV स्कूल है जो कि क्लास 12 तक है, और ये सामने खूबसूरत सा नज़ारा देख पा रहे हैं। खड़िया DAV का ये ग्राउंड है, 12 तक की क्लासेज हैं जहाँ पर केवल साइंस स्ट्रीम 11th एंड 12th में पढ़ाया जाता है। तो अगर आप केवल साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो आप खड़िया DAV में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग DAV स्कूल दुधीचुआ, जो कि दुधीचुआ प्रोजेक्ट में स्थापित है। और DAV बीना के बाद मैं आपको कह सकता हूं कि DAV दुधीचुआ ने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं अपने पुराने समय में, आज भी। और बहुत ही अच्छा भव्य जो है इसका बिल्डिंग है चारों तरफ, बहुत बड़ा ग्राउंड भी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो है वो क्लास 12 तक आपकी जो पढ़ाई है वो हो सकती है, और दोनों ही स्ट्रीम से यहाँ पे पढ़ाई होती है। तो अगर आप ने 10th का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप अपने कॉमर्स या साइंस दोनों स्ट्रीम से जो है यहाँ पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। और ये दुधीचुआ प्रोजेक्ट जो कि सेक्टर B में ये DAV स्कूल बीना स्थापित है। और मैं आपको बता दूं कि NCL के जो 9 DAV स्कूल जो रन करते हैं वो सब अपने आप में ही जेम्स हैं। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपको इस खूबसूरत नज़ारों को मैं आपको दिखा दूं। और जैसा कि आपको मैंने बताया है कि NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि कोल इंडिया की एक सब्सिडियरी है, जिसके अंदर में जो है वो टोटल 7 DAV स्कूल्स हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। और मैंने कोशिश की है कि मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे नए लोग आए हैं या आने वाले हैं या बाहर से जो भी देखते हैं उनके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकूं। तो चलिए चलते हैं। और DPS निगाही, ये भी जो है स्कूल वो NCL द्वारा फंडेड है। और DAV पब्लिक स्कूल DPS आप जानते ही हैं, बहुत ही अच्छे स्कूलों में इनकी गिनती होती है DPS निगाही की। और मैं आपको बता दूं जो फी का स्ट्रक्चर होता है NCL के अंदर में, जो NCL फंडेड स्कूल्स हैं उनका जो भी NCL के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बच्चों के जो फीस हैं वो लगभग जो नॉन NCL एम्प्लॉय हैं उनसे हाफ होता है, और जो नॉन NCL एम्प्लॉय हैं जो बाहर के लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं
वो लगभग लगभग आप फीस का स्ट्रक्चर जो है वो आप इनके वेबसाइट पे जा करके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं NTPC शक्तिनगर, और यहाँ पे जिस स्कूल में हम लोग आए हैं ये है सेंट जोसेफ स्कूल, जो कि NTPC शक्तिनगर के कैंपस के अंदर में है, जो बहुत ही भव्य, बहुत ही पुराने समय से बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित करते हुए CBSE बोर्ड से एफिलेटेड है एंड क्लास 12 तक की जो है यहाँ पे पढ़ाई होती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कॉमर्स का स्ट्रीम नहीं है, केवल साइंस है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो क्लास LKG टू क्लास 12th जो है यहाँ पे आपको एजुकेशन प्राप्त होगी। बहुत ही बच्चे जो है यहाँ से बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, बहुत ही स्ट्रिक्टली बहुत ही डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है। और जैसा कि आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि NTPC शक्तिनगर के कैंपस के अंदर में है, बट NTPC के द्वारा जो है इनको फंड नहीं किया जाता है। ये स्कूल जो है टोटली अपने फी पे, स्ट्रक्चर पे जो है पूरा रन होता है, और बहुत ही अच्छा वातावरण है। आप शक्तिनगर कैंपस में अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं। चलिए चलते हैं अब आगे की ओर। जैसा कि आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने बस स्टैंड पूरा का पूरा है, ये सेंट जोसेफ स्कूल के सामने, और ठीक बगल में जो शक्तिनगर का शॉपिंग सेंटर एरिया भी है। आगे बढ़ते हुए शक्तिनगर कैंपस के अंदर में ही मैं आपको दिखा दूँ, ये केंद्रीय विद्यालय है। यहाँ पे भी जो है वो CBSE पैटर्न में पढ़ाया जाता है, और ये भी NTPC कैंपस के अंदर में ही है। ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको चलाया जाता है। बगल में ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, जहाँ पे आप स्नातक की परीक्षाएं या पढ़ाई आगे की कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय जो है वो यहाँ पे आपको सारे स्ट्रीम्स की पढ़ाई होती है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं भिन्नगर NTPC के अंदर में। यहाँ पे जो इस एरिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट कहा जा सकता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS भिन्नगर, जो कि भिन्नगर के अंदर में है। और हम लोग आ चुके हैं अनपरा में सेंट फ्रांसिस स्कूल। यहाँ पे भी जो है आपको क्लास 12 तक की क्लासेस हैं, और यहाँ पे भी जो है दोनों स्ट्रीम में पढ़ाया होती हैं, चाहे PCM लें, चाहे PCB लें, या कॉमर्स से आप पढ़ना चाहते हो। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस और भी इस तरह की आगे मिलती रहे। मैं कोशिश करता हूं कि इस पूरे सीरीज में जो है मैं आपको कुछ नई चीज़ें मैं बताऊं, मैं दिखाऊं, ताकि आप सब के लिए जो बाहर से आए उनके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन रहे। आगे बढ़ते हुए हम लोग अब पहुँच चुके हैं रेणुसागर पावर प्लांट के अंदर में, जहाँ पर ये आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल, ये भी जो है आपको क्लास 12 तक है, और साइंस एंड कॉमर्स दोनों स्ट्रीम में यहाँ पे पढ़ाई होती है आफ्टर 10th। तो आप चाहें तो रेणुसागर, जो भी लोग नज़दीक हैं अनपरा रेणुसागर के, या बाहर से NTPC में, या चाहें आप अनपरा थर्मल पावर में या रेणुसागर थर्मल पावर में अगर आप जॉब करने आते हैं, तो आप अपने बच्चों की पढ़ाई यहां से करवा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सारे स्कूल के बारे में जान के आपको कैसा लगा, और आगे और भी इंटरेस्टिंग इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।